अलिश्बा, कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? परियाल, अलिश्बा का तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। नौशीन ने बताया कि तुम उस स्कूल में पढ़ाती हो, तो इसलिए हम चले आए। परियाल, तुम स्कूल में क्यों जॉब कर रही हो? किसी कंपनी में जॉब कर लेती। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में जॉब करना। तुम्हारी बात ठीक है परियाल, तुम हमें बता देती, हम कोई अच्छी जगह तुम्हें जॉब पर लगवा देते। बाबा, खुली फिजा में निकल कर सांस लेने के लिए मैंने ये जॉब की है, और बच्चों की मासूम शरारतों में वक्त का पता ही नहीं चलता। किसी किस्म की टेंशन वो भी भूल जाती हूँ, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। बस आखिरी सेमेस्टर की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हिम्मत का काम कर रही हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, घर कब आओगी? अभी नहीं। तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख होता है बेटा, तुम्हें नौकरी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बाबा, ये मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझसे जितना होगा मैं इस आजमाइश से गुजरूंगी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो फरियाद, मुझे फखर है तुम पर। चले मैं निकलती हूँ। चाची, अब आप हमारे साथ घर चले। दादू, आप चाची से कहें ना, चाची तो आपकी हर बात मानती है। बेटा, चाची हमारी बात नहीं मानेगी, बस जाने दो। बेटा, चाची ना चाचू के साथ घर आएंगी, बस आप अल्लाह से दुआ करें कि जल्दी घर आ जाए। कब आएंगी? पता नहीं, मगर आप दुआ करो कि हम बहुत जल्द घर आ जाएं। चलो, अब हम तुम्हें छोड़ देते हैं, आ जाओ। Ho, 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 ho.